सो गुड मॉर्निंग गाइस, टुडे आई एम एट टर्मिनल 3 एंड ट्रस्ट मी बहुत लेट हो गया मैं आज, और मेरी फ्लाइट की बोर्डिंग स्टार्ट हो गई है। एंड जो वहाँ काउंटर बैठे थे उन्होंने बोला सर भाग के जाइए, तो मैं भागता हूँ अभी। तो अभी हम लोग जा रहे हैं गेट 47 पे, और गेट 47 पे हमारी एयर एशिया की फ़्लाइट है हैदराबाद के लिए। एंड पहली बार मैं इतना लेट हुआ हूँ। इन जनरल आई एम नॉट अ वेरी फ्रीक्वेंट फ्लायर, तो मैं कभी लेट नहीं होता। फ्लाइट होती है तो मैं हमेशा भाग के पहुँच जाता हूँ। स्टिल आज लेट हो गया थोड़ा सा, चलते हैं। Though it is looking gorgeous, but it is not ours. अपनी एयर एशिया है। यहाँ से दिख रही है कि नहीं पता नहीं, बट यही अपनी है। ये स्टार्ट हो गया अपन की बोर्डिंग। फाइनली एक राहत की सांस ले सकते हैं कि हम लोग लेट नहीं हुए। नाइस। और सीट कवर कभी चलाना? का ऑक्सीजन नकाब आपकी कुर्सी के ऊपर लगे पैनल से बाहर आए तो उसे तुरंत अपनी ओर खींचें और इस तरह नाक और मुंह ढककर सामान्य ढंग से सांस लेते रहें। दूसरों की सहायता करने से पहले अपना नकाब ठीक से पहन लें। आपकी रफ्तार तो कुर्सी की पेटी बांध ली गई है, और थोड़ी देर में हम लोग उड़ान भरने वाले हैं। और इस वाली सीट के लिए मुझे बहुत जुगाड़ करना पड़ा है, तो प्लीज आप लोग टेक ऑफ को एंजॉय करें। Just got freshened at airport only, और to be very honest, आज मैंने बाहर निकलते समय मुँह भी नहीं धोया था जब मैं एयरपोर्ट के लिए निकल रहा था, इतना लेट हो गया था। एंड इट वॉज अ गुड डिसीजन, बिकॉज अगर मैं थोड़ा सा भी और लेट होता तो आई वुड हैव मिस्ड द फ्लाइट। तो आई मीन हैदराबाद नाउ, और अभी चलते हैं हम लोग अपने होटल की तरफ। और होटल यहाँ से काफ़ी दूर है,
एंड इट्स 8:37 राइट नाउ और टॉकिंग अबाउट द टेम्परेचर इट्स 24 डिग्री सेल्सियस एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट इट्स डिसेंट वन एंड दैट वॉज नॉट फॉर मी. सो वी आर आउटसाइड मेट्रो और यहाँ पे पक्का कुछ ना कुछ है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी गाड़ियाँ खड़ी हैं लाइक NDTV, न्यूज़, TV9 और ढेर सारे रिपोर्टर्स. सो प्रोबेबली कोई आ रहा है. ओके सो देयर वाज अ शूटिंग गोइंग ऑन और शूटिंग के मेन हीरो थे हमारे महेश बाबू एंड बहुत अच्छा लगा देख के. भीड़ हो गई थी तो इट वाज लाइक चलो हम निकलते हैं यहाँ से. ओवरऑल इट वाज वेरी गुड और अभी हम लोग चलते हैं अपने होटल की तरफ. होटल इज़ नियर रेलवे स्टेशन, जाना है वो भी देखते हैं. लेकिन कुछ भी कहो आते ही हैदराबाद सबसे पहले जो चीज़ दिखा है वो है महेश बाबू का लाइमलाइट. धांसू था. यू नो यू आर इन अ डिफरेंट स्टेट व्हेन यू सी दिस. तो अभी हम हैं अपने कैब में और हमारे कैब ड्राइवर हैं मोहम्मद जहीर जी और इनसे हम लोग पूछ रहे थे कि कैसे यहाँ पे है सब कुछ, कैसे खाना पीना का क्या है, बहुत अच्छा है यहाँ पे और घूमने फिरने का क्या जगह है जहाँ पे एक दिन में मैं घूम सकूँ. तो इन्होंने बताया जहाँ आप रह रहे हो वहीं पे बगल में ही चार मीनार है, तो चार मीनार तो जाना ही है और भी काफ़ी चीज़ें बताई हैं. चलते हैं अभी फिलहाल रूम पे, फ्रेश अप होते हैं उसके बाद निकलेंगे. नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट. आशीष सर बड़े खुश होंगे. भैया ने हमसे पूछा कि आप चाय पीते हो क्या एंड ही वाज लाइक कि यहाँ पे बेस्ट चाय आपको मिलेगी वो है टैंक. टैंक क्या नाम था जगह का? टैंक चरा टैंक मसाब टैंक. मसाब टैंक तो मसाब टैंक पे है हमारा ये टाइबा फूड कोर्ट और टाइबा फूड कोर्ट की है प्रसिद्ध चाय. ये हमारी मसाब टैंक की सबसे फेमस चाय. टेस्ट कर सकती है टू वेरी ऑनेस्ट. चाय बहुत ज़्यादा अच्छी थी और अभी हम लोग सीधे सीधे जा रहे हैं अपने रूम पे. रूम पे जाते हैं थोड़ा देर बैठते हैं उसके बाद निकलते हैं घूमने. थैंक यू भैया, बड़ा अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया आपसे. थैंक यू बताने के लिए सर, बाय बाय. अपने रूम हम लोग 319, चलिए चलते हैं. ओह सेक्सी रूम. तो ये बैग है हमारे हर्षित वर्मा का. हर्षित वर्मा अभी पिछले एक दिन से यहीं हैदराबाद में, तो आज ही गया था कहीं फिल्म सिटी घूमने और मेरा भी बहुत मन था जाने का दो काफ़ी टाइम लग जाता और वो बोल रहा था कि लास्ट बस जो चलती है वहाँ पे वो सुबह 9 बजे की चलती है तो उस प्लान को स्किप करना पड़ गया. स्टिल नो प्रॉब्लम, अपन यहीं आसपास कहीं घूमेंगे देखते हैं फिर. हैदराबाद कभी और आएंगे तो और अच्छे से घूमेंगे. अभी थोड़ा सा रिलैक्स कर. सो फाइनली फीलिंग सो रिफ्रेश राइट नाउ और टू बी वेरी ऑनेस्ट हैदराबाद में गर्मी बहुत ज़्यादा है और इसके बिना सच में काम नहीं चल सकता. दिल्ली में आप भले इस पॉइंट ऑफ टाइम पे चला सकते हो लेकिन हैदराबाद इज़ वेरी हॉट.